हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। कैसे हैं आप लोग सब? कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनको बार बार बनाने की इच्छा होती है, जैसे बैगन भिंडी की कढ़ी। आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे। मेरे घर पे जब भी बनती है ना, आह मजे से खाते हैं हम लोग। भाई ऐसी कढ़ी मजेदार होती है। एक्चुअली कढ़ी कोई भी रूप में हो मजा आ जाता है, और यहाँ आपके लिए बना रहा हूँ बैगन भिंडी की कढ़ी। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी। आहा, चलिए साथ में मिलके बनाते ना। पहले मैं बनाता हूं, फिर आप बनाइएगा, फिर आपका परिवार खाएगा, सभी कहेंगे भाई वाह क्या बात है। शुरू करें। अच्छी भिंडी चाहिए इसके लिए, छोटी छोटी, और छोटे बैगन चाहिए। शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले भिंडी ले ली, अच्छी वाली, ठीक है। हम सबको आदत होती है, जैसे अब जो नौसिखिए हैं उनको बता दूं कि ये छोटी वाली भिंडी इस तरह से स्नैप कर जाए, वो वाली लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और ये ऊपर से काटिए, एक स्लिट यहाँ पे इस तरह से मार दीजिए, ठीक है। ये सर काटिए और यहाँ से ये स्लिट, सर काटिए और ये देखिए, ये एक स्लिट, ठीक है। घर पे छोटा वाला नाइफ है वो लीजिएगा। इस तरह से सारे भिंडी को काट लेता हूँ। और ये काटते वक्त आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से खोल के हल्का सा देख सकते हैं भिंडी अच्छी है नहीं, इन्फेक्टेड तो नहीं है। यू कैन डू दिस, राइट। भिंडी उसका हेड और ये टेल काट के रात को पानी में भिगो के रखें, और वो पानी अगर सुबह पीते हैं तो डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, जिनकी ब्लड शुगर हाई होती है, लोग करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का मजा यही है, ठीक है। और ये इस तरह से बैगन ले लें, कीप दिस, ओके, डोंट जस्ट थ्रो इट अवे। 1/4 काट लें, अगेन चेक करने के लिए कि बैगन कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कर लें और काट लें। तो लगभग 6-7 बैगन लिए हैं और 150 ग्राम्स के आसपास भिंडी लिए, जो कि 20-25 भिंडी पकड़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए ये बेसिक तैयारी हो गई। अब कढ़ी का मिश्रण तैयार करते हैं। तो अब ये बोल में भिंडी निकाल लेते हैं, और यहां पे एक बोल में बेसन ले लेते हैं, ये लगभग 2.5 बड़े चम्मच बेसन, ठीक है। 1 कप दही ये ले लें, ठीक है, ये डाल लेते हैं सारा दही इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच ये डाल लिया। नमक डाल लें, नमक डालते वक्त करिएगा टन 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 टन, आह डाल देते हैं क्या बात है। तो नमक डालिए, और ये मेरा मसाले का पिटारा खुल गया। इसमें डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल लेता हूँ, ये लीजिए 1/2 छोटा चम्मच, ठीक है। और विस्क और पानी, ठीक है, ये लीजिए, बढ़िया पानी ले लिया हमने, और विस्क से विस्क कर लें। पानी कितना लिया हमने? लगभग 3 कप फुल, ठीक है। और आप थोड़ा सा गर्म पानी तैयार रखिएगा अलग से घर पे, अगर आपको लगे कड़ी ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो सोल्यूशन एक ही है, थोड़ा गर्म पानी डाल देना होता है। ये लीजिए, बढ़िया तैयारी हो गई जी। इसको भी यहां रख लेते हैं। तो ये तैयारी हो गई है। अब तेल ले लेते हैं, 2 बड़े चम्मच तेल लीजिए। 2 बड़े चम्मच क्यों लिए हमने? वो इसलिए लिए क्योंकि मुझे बैगन और भिंडी भूननी है, ठीक है। अब तेल जैसे ही गर्म होगा यहां पे सबसे पहले, और मैं बढ़िया क्वालिटी की एलजी की हींग ले रहा हूं, और इसमें तेल गरम होते ही डालेंगे
साथ ही साथ सूखी लाल मिर्चें दो बड़ी, पहले ये डाल देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए दो बड़ी सूखी लाल मिर्चें, हींग ये लीजिए चुटकी भर हींग, एलजी का हींग यूज कर रहा हूं मैं, जीरा एक छोटा चम्मच और राई एक छोटा चम्मच, दोनों को फूटने देते हैं, बातें करने देते हैं, ये लीजिए। कुछ लोग जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं वो आपको बता दूं, उसमें मेथी दाना भी डलता है, तो आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, थोड़ी अजवाइन डाल दें, बेसन डला है तो ज़रूरी है, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, ठीक है, ये डाल दिया आपने। अब कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग पेपर डालते हैं, लौंग डालते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है, आप पे छोड़ देता हूँ, डालना डालिए बिल्कुल, ठीक है। जैसे ये मेथी दाना और राई और जीरा और लाल मिर्च थोड़े से कलरफुल और फूटने लगते हैं बातें करते करते, वेन यू हियर द नॉइस, ओके, दैट इज द टाइम यू ऐड जिंजर, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें तीन चार डाल दें, वाह लुक एट दिस, मजेदार, एक मिनट तक भूनिए और एक प्याज कटा हुआ डाल दें इसमें, ये लीजिए, प्याज को लगभग दो मिनट भूनिएगा, प्याज दो मिनट भूनने के बाद बैगन और भिंडी ये लीजिए दोनों डाल लेते हैं यहाँ, और अब इसको भूनेंगे अच्छे से कम 6-8 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे लेकिन पहले भूनेंगे। ये जब भी बनती है ना, बस इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसको देखेंगे ना तो भिंडी है, बैगन है, कड़ी है, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, स्टीम राइस के साथ खाएं। और ये रेसिपी मेरे दिमाग में कैसे आई, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सांभर जो है वो कितनी हेल्दी चीज़ है, बताइए, उसमें सब्जियाँ होती है, दाल होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, अपने आप में एक होलसम मतलब डिश है, उसको आप चावल के अलग अलग रूप के साथ खाते हैं, चावल और दाल के, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, ठीक है, ये वहीं से मैंने सोचा और ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बढ़िया। तो भूनेंगे और भूनते भूनते जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा मसाला डाल देंगे, यहाँ पे भी हमने कड़ी में तो डाला था बट यहाँ पे भी हम एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, हल्दी एक चौथाई छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ साथ गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, भाई काफ़ी मज़ेदार बना रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। अब ये मसाले डाल लिए तो जैसे मैंने कहा टोटल 4-5 मिनट तक भूनना है, तो 2-3 मिनट के बाद मसाले डालें, उसके बाद और 2-3 मिनट तक भूने, और मसालों के साथ साथ इसमें नमक डाल लेते हैं, ठीक है, नमक स्वाद अनुसार डालें और ये बहुत जरूरी, ये लीजिए, वाह अब आएगा मजा, है ना, भिंडी बैगन की भुनाई भी हो गई, स्वाद बढ़ गया, मसालेदार चीज बन गई। तो लगभग 5-6 मिनट बाद आप ये जो मिश्रण है इसको विस्क करें और ये घोल इसमें डाल दें, ठीक है, ये लीजिए, अब आपने कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है, ठीक है, बढ़िया। और थिकनेस के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर चलाते चलाते गाढ़ी होने लगे या गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, गर्म पानी इज द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज़ वन टिप फॉर यू। तो ये हम पकाएंगे अब अच्छे से,
और चलाते रहना है। क्यों? क्योंकि बेसन बैठ जाएगा, नहीं चलाएंगे तो बेसन बैठ जाएगा। एक बार उबाल आ गया फिर आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, और उबाल आने के बाद आपको कंसिस्टेंसी भी करेक्टली पता चल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद काढ़ना है, थोड़ा कड़ी है तो काढ़ेंगे थोड़ा सा, उसमें बैंगन और भिंडी पूरी अच्छी तरह से पक जाए। अब जैसे ही उबाल आता है आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे और अच्छे से पकाना है, लगभग 10-12 मिनट तक अच्छे से पकाना है, काढ़ना है, तो आप कंसिस्टेंसी अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं। मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको पकाएंगे ताकि भिंडी और बैंगन अच्छे से पक जाए। एक ऑप्शन है ढक के पकाएंगे, ये जल्दी पकेगा, इसलिए ढक के पकाएं, एनर्जी भी सेव होती है, ठीक है। और जब ये पक जाएगा तो बैंगन सॉफ्ट, भिंडी बढ़िया, और उफ मजेदार चीज बन रही है। तो लगभग 10-12 मिनट पकाने के बाद देखिए बहुत बढ़िया से उबाल आ गया है और आवाजें आ रही है, और मुझे ढक्कन खोलने में डर लग रहा है क्योंकि छींटे उड़ेंगे। तब तक एक काम करता हूँ, थोड़ा ये मेरे पास ये जो बोल है ये निकाल लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, ठीक है जी। और ऐसी सब डिशेज में ना ये धनिया मोटा मोटा काट के धो के आपको काट के डालें तो फ्लेवर और भी मजेदार होता है। और ये तब करिएगा जब आपने मतलब जस्ट अबाउट परोसना हो ना लोगों को कि आपको अब डालना है, तो इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बढ़िया तरीके से, वाह क्या बात है, ये देखिए बढ़िया एकदम, जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो बिल्कुल है यहाँ पे बढ़िया, वाह मजेदार। और ये लीजिए धनिया, ये डाल लेते हैं और डिश बन, हम तैयार हैं बिल्कुल, और मजेदार चीज बन गई है, परोसने के लिए मैं तैयार हूं। ये लीजिए, वाह। एक चीज आपको दिखाऊंगा यहां पे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं जो तेल है वो भी छूट के आ गया, मतलब कड़ी बहुत बढ़िया तरीके से पक गई है। और ये क्या बात है, कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल चावल रोटी पराठा जिसके साथ खाना आप खाइए, इतनी मजेदार है। आई कैनॉट, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसी जो घरेलू वाली चीजें होती है ना देसी, उनको कुछ और नहीं चाहिए होता, ऑनेस्टली गार्निश भी नहीं चाहिए होता, उनको देख के ही मजा आता है, उनको देख के ऐसा लगता है कि बस अब शुरू हो जाओ, चावल मिल जाए बस मजा आ जाए। मुझे तो लगता है ये इतनी बढ़िया चीज है अपने आप में, मतलब बनाएंगे ना तो किसी के साथ भी खाएं, सुबह खाएं, शाम को खाएं, कैसे भी खाएं, बनाएं और खाएं।